Yeah. Fantastic for the thing. Yeah. What kind, of, what kind of training do you do you get to do? Um, yeah, I'm playing Ben Grimm who becomes the thing, who's a man encased in rock. Um <laughs> Woo! So, yeah. I don't I know, yeah, know. I've just been looking at rocks, you know, like just kind of like तो वन सेकेंड में फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेकर और इस वीडियो में मैं बात करूंगा दी फैंटेस्टिक फोर मूवी के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो रिसेंटली इबोन एक शो पर गए थे और उन्हें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको कास्ट कर लिया गया है दी फैंटेस्टिक फोर मूवी में दी थिंग के रोल में तो आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है तो उसके रिप्लाई में इबोन ने आंसर ये दिया कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ पत्थरों को देख के तो उन्होंने ये फनी वे में कहा है मतलब सीधी सी बात है कोई फत्थरों को देख के कैसे प्रिपेयर हो सकता है उनके रोल के लिए तो उन्होंने एक जोक के तौर पे वहाँ पे कहा है मतलब बहुत से लोग सीरियस भी हो जाते हैं जोक वाली बात पे आप लोग वो इंटरव्यू देखे भी हो वीडियो के शार्ट में तो उन्होंने सीरियस लेने का है और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की तो मई में मारू स्टूडियो ने काश किया था नाशोन को दी फैंटास्टिक फोर मूवी में बात करूँ रोल की कि कौन से रोल में हमें नजर आएगी दी फैंटास्टिक फोर मूवी में तो उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है अब बात करते हैं रूमर के बारे में तो वो रूमर ये है कि हमें दी फैंटाशिक फॉर मूवी के फर्स्ट एक्ट में मल्टीपल विलन्स दिखाई देगी जिनका मेजर रोल नहीं होगा यानी कि छोटा छोटा रोल होगा बट फिर भी वो हमें दिखाई देंगे दी फैंटास्टिक फॉर मूवी के फर्स्ट एक्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी यानी कि मार्वल की, की फर्स्ट फैमिली की मूवी होने वाली है तो उन लोगों को स्पेशल करना होगा तो इसी कारण वो सब ये कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा फिलहाल तो इतना ही रूमर और न्यूज था तो इस वीडियो को लाइक करो और क्यों न्यू है बंदी वो को शेयर एंड सब्सक्राइब करो तो मैं मिलता वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल चैनल को शेयर करो